हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास एलईडी है, ये देखिए 26 इंच का एलईडी है, 28 इंच का एलईडी है। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये डेड है, और डेड का कारण है ये इसका पावर सप्लाई। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आपको बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके पास पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सैमसंग पावर सप्लाई में एक चीज़ होती है जो मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे यहाँ जम्पर होते हैं, ये जो जम्पर होते हैं ना, यहाँ पे जम्पर जो होते हैं ना, ये जम्पर ज़्यादातर सड़ जाते हैं। ये बहुत में मैंने देखा है, और आप भी ध्यान देंगे तो अब दिखाता हूँ मैं आपको। वो बर्न सा हल्का सा दिखा है, बर्न हुआ है, बट वो जला हुआ है, ऐसे नहीं पता चल रहा है। मैं देख सकते हैं, देखिए, देख रहे हैं, देखिए ये जला हुआ है, ये जंग लगता है 100% इसमें कॉकरोच गया या फिर ऐसे जंग लगी जाता है, मैंने बहुतों में देखा है। तो अगर ऐसा होता, देख सकते हैं यहाँ छूने पे टूट गया, तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से पावर सप्लाई हमारा ख़राब हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण पावर सप्लाई जिसकी वजह से बंद हो जाता है, मैं आपको बताऊँगा। ये इसमें 2-3-4 मॉडल है, 32 इंच का अलग है और इसमें भी अलग अलग है। तो इसमें तो डायोड नहीं दिया हुआ है सादा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देख सकते हैं ये डायोड है ना, ये डायोड शॉर्ट होता ज़्यादातर। ये डायोड कभी भी पावर सप्लाई अगर आपका बंद है तो सबसे पहले आप पावर सप्लाई में कुछ मत चेक करना, मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक कर लेना। अगर वोल्टेज आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना इधर उधर, सबसे पहले जो डायोड लगा होता है उस डायोड को चेक करें। और डायोड जब चेक करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 में से 80% डायोड शॉर्ट होता है सैमसंग के पावर सप्लाई में। और मैंने बहुत बार निकाला है फॉल्ट, बस कहीं बहुत ज़्यादा स्पार्क ना हुआ हो, हाईलाइट में कुछ इधर उधर एसटीआर वगैरह इसका फूटा ना हो। नॉर्मली अगर बंद हुआ है, अगर इसके फिल्टर पे वोल्टेज आ रहा है, तो ये मान के चलिए आपका डायोड शॉर्ट है। और दो डायोड होता है इसमें, तो हालाँकि यहाँ पर डायोड ये दे दिया है, ऐसा वाला दे दिया है, देख सकते हैं चीप वाला दे दिया है। तो डायोड दो दिया रहता है, दो में से एक डायोड ख़राब होता ज़्यादातर। अगर आप एक डायोड चेक करेंगे तो एक डायोड चालू निकलेगा, एक ख़राब। तो जो अगर आपके पास डायोड है तो आप दोनों चेंज कर दें एक साथ। अगर नहीं भी है तो आप मार्केट वाला डायोड और ओरिजिनल डायोड एक साथ मत डालना। अगर आप एक जूना एक नया डालेंगे तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको डालना है तो एक डायोड जो शॉर्ट है उसको निकाल कर फेंक दीजिए, और जो दूसरा डायोड चालू उसी पे चालू करके छोड़ दीजिए, चालू रहेगा आपका टीवी। अगर डालना है तो फिर दोनों नया डालिए एक साथ, क्योंकि मार्केट का डायोड इसका जो है, मैंने एक दो बार देखा है डालने के बाद, वो कभी कभी नहीं चलता दोस्तों, इस चीज़ पर गौर करिएगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम मार्केट से डायोड लाते, डाल देते, फिर से एक 15 दिन महीने भर चलता है और प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस चीज़ पर ध्यान दें। ज़्यादातर ये करें कि आपके पास कोई पुराना पावर सप्लाई पड़ा हो तो उसका डायोड दोनों निकाल के एक साथ डाल दें, आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो मैंने ये चीज़ बताया आपको, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अब जो इसमें और एक कारण है पावर सप्लाई ख़राब होने का, एक मिनट, हाँ इसमें दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, हाँ ये फिल्टर जो है, ये फिल्टर कभी कभी फूक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज नहीं बनता या फिर लाइट आके चली जाती है। तो दोस्तों, यही 2-3 कारण है जो इस पावर सप्लाई में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डेड हो जाता है और हमारा एलईडी टीवी चालू नहीं होता है। तो अगर आप सैमसंग टीवी अगर आपके पास आता, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डायोड को ही चेक करें, सबसे पहले आप फ्यूज चेक कर लें। फ्यूज के बाद अगर आपका मेन फिल्टर पर सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब आपका इधर सेकेंड आपकी जो प्राइमरी है वो ओके होगी। आप सेकेंडरी में मेन जो दो डायोड हैं 12 वोल्ट के, इसमें जो रहते हैं, और वो दोनों चेक कर लें।
14 वोल्ट रहता है, 5 वोल्ट रहता है, ये सब दो रहता है, उसमें चेक कर लें। एक मैं दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे है 13 वोल्ट और 1.3, 13 वोल्ट ही है इसमें, किसी किसी में 5 वोल्ट रहता है, इसमें तो 13 वोल्ट है। तो आप इसको जो है कि देख ले, 13 वोल्ट का अगर डायोड हमारा शॉर्ट रहेगा तो 100% हमारा टीवी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों जो जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको दी, और आप 100% इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप, अगर आपके पास सैमसंग आए LED तो आप ज़रूर इस तरीके का काम करके देखो, आपका पावर सप्लाई मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब मैं इसको रेडी करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं लाइट आ चुका है, इंडिकेटर हमारा जल रहा है, देख सकते हैं पावर सप्लाई हमारा ओके हो गया। उसमें आपको बताया था वही सब जंपर वगैरह समय चेंज कर दिया, और थोड़ा सा ड्राई था, जिसमें ड्राई भी होता है वो भी ध्यान रखना, ड्राई भी कर देंगे आपका पावर सप्लाई ओके हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।